सो हेलो गाइस एवरीवन, आज हमारे पास है किया सेल्टॉस डीजल मैनुअल एसटीएक्स प्लस 2021 मॉडल, और ये जिस घर में खड़ी हो मेरा ही घर है। सो आज ये गाड़ी शोरूम से आई है और इसका हम लोग आज रिव्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट साइड। यहाँ पर हम लोग किया का न्यू लोगो मिलता है। यहाँ पर आपको टाइगर नोज ग्रिल मिलती है विद डायमंड कटिंग पैटर्न्स में, आपको यहाँ पर ग्रिल मिलता है यहाँ पर, एंड नीचे के साइड भी आपको ग्रिल मिलता है, एंड ओपन स्पेस भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल पा रहा है। नीचे भी एक आपको हुड टाइप का ग्रिल है, इधर भी आपको थोड़ा स्पेस मिलता है। ये आपको आइस क्यूब एलईडी लैंप्स होती हैं, फॉग लैंप्स जो आपको मिलती हैं, इधर आप देख ही पा रहे हैं इंडिकेटर। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये चार टाइप की एलईडी टाइप की लाइट्स है, ये बहुत अच्छा लगता है। सिक्वेंशियल लाइन टाइप के आपको यहाँ पर जाते हैं, पर आपको यहाँ पर सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स नहीं मिल पाते हैं, सो कोई बात नहीं, अच्छे लगते वैसे। एंड ये इधर आपको फोर टाइप ऑफ हेडलैम्प्स मिलते हैं, इसमें लो बीम एंड हाई बीम दोनों इसी में मिलता है, एंड ये बड़े स्टाइलिश लगते हैं। एंड इसी में आपको इंडिकेटर इधर भी मिलते हैं, एंड यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लाइनिंग आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा DRL तक कैच करती है। एंड इधर भी आप देख सकते हैं सेम टू सेम। एंड इधर आपको बॉडी का कट्स एंड क्रीज मिलता है, एंड इधर आपको एरोट्विन वाइपर्स नहीं मिलते जो कि कॉस्ट कटिंग है, बट ठीक है कोई बात नहीं। सो इधर आपको कॉस्ट कटिंग मिल रही है, बट वाइपर्स ठीक है, अपने आप में बड़े अच्छे हैं। इधर आपको ORVM में इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे हैं, एंड ORVMs आपके काफ़ी मैसिव साइज है तो अच्छा लगता है, ठीक है। ये आपके क्रोम स्टेडेड में हैंडल बार्स हैं डोर्स के, एंड फ्रॉम बैक साइड इसके लुक ऐसा है जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। एंड इधर आपको रेयर वाइपर मिलते हैं, एंड वॉशर भी इसमें इनबिल्ट मिलता है आपको। ये देखिए इधर आपको क्रोम की स्ट्रिप लाइनिंग पैटर्न मिलती है पीछे तक, जहाँ पर किया का एक न्यू ब्रांडिंग लोगो आता है यहाँ तक पूरा जाता है। एंड इधर भी आपको बैक लाइट्स मिलती हैं विथ फोर टाइप ऑफ LED, फाइव टाइप ऑफ LED है, फाइव है, 1, 2, 3, 4, 5 फाइव टाइप ऑफ LED लाइट्स मिलती है इंडिकेटर के लिए। इधर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, एंड फ्रॉम द लुक्स ऑफ द साइड इधर आपको टायर्स मिलते हैं UX रॉयल के टायर्स मिलते हैं आपको, जो कि JK के टायर्स हैं, एंड जो कि हैं 215/60R17 के आपको टायर्स मिलते हैं। ये डायमंड कटेड अलॉय व्हील्स हैं डायमंड टाइप के, एंड इधर आपको क्लैडिंग वगैरह मिल जाती है, यहाँ पर एक लाइनिंग जाती है आपकी क्रोम की। इधर आपको क्लैडिंग प्रॉपर अच्छी खासी मिलती है, तो अगर आपको 19-18 inch के टायर्स लगवाएं तो लगवा सकते हैं आप, एंड सेम टू सेम। एंड हाँ गाइस, इसका कलर जो है वो की है इंटेंस रेड, सो काफ़ी अच्छा है। एंड अब इसको अंदर थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, क्योंकि बाहर की साइड काफ़ी कुछ नॉर्मल ही है, क्योंकि सब जगह क्रोम के पैटर्न मिलते हैं। इधर आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं, इधर आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है बॉडी कलर में, ये आपको इधर मिलता है सनरूफ जो काफ़ी वाइड ओपन होता है, काफ़ी अच्छी बात है। इधर आपको ये स्किड गार्ड मिल जाते हैं अच्छा खासा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्किड गार्ड यूज़ किया, एंड सेम आपको स्किड गार्ड बैक साइड पे भी मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए नीचे की साइड स्किड गार्ड है, और यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स है, फोर पार्किंग सेंसर्स पीछे, एंड देन फोर पार्किंग सेंसर्स आपको आगे भी मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है सेफ्टी वाइज पर्पज़ के लिए। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐसी ओवरऑल द बॉडी फोर पार्किंग सेंसर्स है। इधर आपको DRL मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छे पैटर्न में है, इतने अच्छे लगते हैं यहाँ से लेके वहाँ तक जाते हैं, काफ़ी अच्छी बात लगती है। एंड नीचे आपको यहाँ पर फ्रंट सस्पेंशन मिलते हैं MacPherson स्ट्रट विथ कॉइल स्प्रिंग के, एंड पीछे आपको ऐसे नीचे में रेयर सस्पेंशन पे मिलता है कपल टॉर्जन बीम एक्सल विथ कॉइल स्प्रिंग, एंड ऐसे यहाँ पर आपको पीछे की साइड मिलता है। एंड बाकी आपको अब अंदर से दिखाते हैं गाड़ी कैसी है, सो बाकी हम लोग अंदर चलते हैं अब गाड़ी में। यहाँ पर देखिए ORVMs आपके अनलॉक हो जाते हैं, एंड इधर आपको इलेक्ट्रिक सीटिंग मिलती है एडजस्टेबल हाइट के हिसाब से, एंड पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट से ही है। इधर आपको फ्यूल का लेट खोलने का ऑप्शन मिलता है, एंड इधर आपको हेडलैम्प्स का जो साइन ऊपर नीचे मतलब जितना उसका थ्रो आपको चाहिए उसके हिसाब से आपको थ्रो मिलता है। इधर आपको ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ का बटन है, करो हाँ, यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर ग्राफिक पूरा सिस्टम चेक एंड ऑल होता है। इधर आपका फ्यूल इकोनॉमी सर्विस एंड सब कुछ इसका ऑप्शन बताता है, लो टायर प्रेशर आपको बताता है, एंड फ्यूल इकोनॉमी बताता है आपको, एंड इधर आपको डायरेक्शन बताता है आपकी गाड़ी की, लो टायर प्रेशर तो आपको बता ही चुका हूँ,
एक्यूमुलेटेड इन्फो भी आपको काफ़ी अच्छा से बताया, ट्रिप वन ट्रिप बी का भी बताता है आपको अच्छा से, ड्राइव इन्फॉर्मेशन देता है आपको। एंड इधर आपको यहाँ पर सारे मतलब डिजिटल प्लस एनालॉग का मिक्सअप है। इधर आपको बैटरी का साइन मिलता है, इधर आप देख सकते हैं लाइट्स का साइन मिल रहा है, तो आपको इंडिकेटर एनऑल का है। सो एंड इधर आप देख सकते हैं ये इसका मैसिव 10.25 इंच का आपको स्क्रीन मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, यूजबिलिटी के हिसाब से काफ़ी स्मूथ है। जैसे कि और सब जगह आप देखते थोड़ा लैग मारते हैं, पर इसमें मुझे ऐसा कोई इश्यूज नहीं आया है। इधर आपका हजार्ड लाइट है ऑन ऑफ का है, ये भी आपको इधर आपको यहाँ पर आपको एसी का पूरा कंट्रोल मिलता है, बट हाँ ये आपका टच नहीं है, ये आपका डिजिटली है, बट हाँ यहाँ से आपको मैनुअल बटन्स मिलते हैं, जो कि आज के ज़माने में काफ़ी अच्छा है। रिलायबिलिटी आपको काफ़ी अच्छा मैनुअल में ही मिलता है, टच करने में बड़ी दिक्कत आती है। इधर आपको ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं बैठने के लिए काफ़ी अच्छा। इधर आपको 12 वोल्ट का चार्जर 120 वाट का सॉकेट मिलता है, ये काफ़ी अच्छा पावर से चार्ज करेगा आपके फ़ोन को, जो कुछ भी आपको चार्ज करना है। इधर आपको USB टाइप पोर्ट मिल जाता है, इधर आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इधर आपको ये पूरा मिल जाता है ग्लव बॉक्स, पर कूल्ड नहीं है ये, कॉल प्लास्टिक मिलता है, इस साइड भी हार्ड प्लास्टिक है, ये सब वूफर है। एंड इधर आपको यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक मिलता है, इधर भी हार्ड प्लास्टिक है, इधर आपका सॉफ्ट टच मटेरियल जो कि काइंड ऑफ हार्ड प्लास्टिक भी है। मैसिव आपके एयर वेंट्स हैं यहाँ पर भी, इधर भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल दिख रहा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से, ये भी आपका हार्ड प्लास्टिक है, ये भी हार्ड है। एंड इधर आपको ये डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये गेट ओपन करने का। इधर आपको क्रोम का स्टाइलिश मिलता है, एंड इधर आपको वन टच विंडो अप एंड डाउन का मिलता है ऑप्शन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वन टच विंडो अप एंड डाउन का ऑप्शन है। इधर आपको ओआरवीएम से कंट्रोल करने का है, गेट लॉक अनलॉक का है, और देखिए ओआरवीएम को खोल सकते हो, ओपन कर सकते हैं आप, या आपने ऐसे कर लिया, यहाँ से आप गेट अनलॉक लॉक कर सकते हैं इधर से। एंड इधर आपको बोस की प्रीमियम स्पीकर्स मिलते हैं, बोस की प्रीमियम स्पीकर्स मिलते हैं विथ साउंड मूड लाइट के हिसाब से, जो कि जो ये साउंड मूड लाइटिंग है, साउंड मूड लाइट है आपकी, उसका मतलब ये है जो भी आपका गाना चलेगा उस मूड के हिसाब से स्पीकर के अंदर लाइट्स इनबिल्ट है, तो वो जलेंगी और काफ़ी अच्छा लगता है वो देखने में। इधर आपको सेल्टॉस की स्किट प्लेट मिल जाती हैं, जो कि आप एक्सरेज में लगवा सकते हो, ये एल्यूमिनेशन भी आती है, नॉर्मल भी आती है, जैसा कि आपके हिसाब से है। एंड इधर आपका बोनेट के ओपन करने का एरिया है, एंड इधर आपको ये आपको जैसे यहाँ से अगर आपको कोई तार वार में कोई दिक्कत हो तो वो आप कर सकते हो, इसको बोलते हैं हम लोग फ्यूज़ बॉक्स है, तो आप इसके हिसाब से अपना देख सकते हो जो भी देखना है आपको। एंड हाँ एक और बात, आपको ये सेकंड टॉप मॉडल है STX प्लस में आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है, जब यहाँ पर आप चार्ज करोगे फ़ोन रखोगे तो आपको यहाँ पर आपका लाइट यहाँ पर ऊपर ऑन हो जाता है। इधर आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिलता है, जो कि 1, 2, 3 करके आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। पार्किंग सेंसर भी है आपके पास, यहाँ पर आपको कैमरा 360 डिग्री व्यू मतलब नहीं है, बट आपको वो GTX में मिलता है, एंड आपको व्यू में पीछे का ये कैमरा दिखाता है, जो कि आप देख सकते हो। ब्राइटनेस भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, कम चाहिए ज़्यादा चाहिए वो आपके हिसाब से है, तो काफ़ी अच्छा है इसका मतलब क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जैसे आप देख सकते हैं कि तो इंसान जा रहा है तो इसकी FPS भी ठीक है, काफ़ी लैग नहीं कर रहा, काफ़ी अच्छी है। एंड यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिलते हैं विथ SOS एंड क्रेन ऑप्शन के साथ, जैसे अभी आपकी कहीं गाड़ी फंस जाए तो आप क्रेन मंगवा सकते हो। एंड ये जो आपका ये UVO का आपको ऑप्शन मिल रहा है इधर, ये आपका किया कनेक्ट का है, फ़ोन से आप अपने गाड़ी को ऑन एंड ऑफ, स्टार्ट स्टॉप, AC कंट्रोल एंड ऑफ कर सकते हो। इधर आपको सनरूफ मिल रही है, जो कि मैसिव साइज़ में है, काफ़ी अच्छा मतलब इसकी ओपनिंग है। हाँ मे बी हम जैसे लोगों के लिए भाई नहीं है, पर हाँ पतले लोगों के लिए काफ़ी अच्छे से बनी है। वन टच है अपने आप ये काफ़ी पीछे ले जाती है, जाके पीछे तक भी एक्सटेंड हो जा रही है, काफ़ी अच्छी बात है। एंड काफ़ी अच्छी ओपनिंग आपको मिल जाती है, सो एक अच्छी बात है। एंड यहाँ से आप देखिए वन टच मैंने किया, एंड देखिए अपने आप ही सनरूफ बंद हो गई। एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मुझे बोलनी थी, सबसे मुझे जो लोग कहते हैं कि प्रीमियम में कि भाई रेंज रोवर की स्टाइल की गाड़ी है ये, सही बोलते हो कि इसकी जो सीटिंग है काफ़ी अच्छी है, वेंटिलेटेड टाइप ऑफ सीट्स है लेदर अपोल्स्ट्री के साथ, एंड काफ़ी अच्छा लगता है ब्राउन टाइप का लेदर यूज़ किया गया, या कलर में ही बोल सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है। एंड इसके वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है, सो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा गाड़ी में। एंड इधर आपको 1 लीटर की बॉटल स्पेस इधर भी मिलती है, एंड उस साइड पे भी आपको 1 लीटर की बॉटल स्पेस आपको मिल जाती है। एंड थोड़ा मोड़ा आपकी यहाँ पर जगह है, थोड़ा मोड़ा कुछ आप सिक्का विक्का रखना हो तो आप मतलब कॉइन से नोल आप रख सकते हो। एंड इधर आपको क्रोम स्टाइल में क्रोम की फिनिश टाइप की मिलती है, इधर भी आपको स्क्रीन पे भी क्रोम टाइप की फिनिश मिलती है। एंड आपको ये जो कंट्रोल्स है इधर आप देख सकते हो,
ये क्रूज का कंट्रोल है, ये आप ये मुझे अच्छा लगता है, ये सिल्वर स्टाइल के डिज़ाइन में, या जो आपका रीसेट एंड सेट अप एंड डाउन ओके कैंसिल, ये आपका इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन यहाँ दबा के मैं चेंज कर सकता हूँ कि आप देख पा रहे हो। एंड इधर किया का हॉर्न काफ़ी अच्छा है, आप हॉर्न भी सुन सकते हो, देख सकते हैं आप। एंड इधर आपका अब बोलने का एंड मोड्स एंड ऑल है, वॉल्यूम अप एंड डाउन, चेंजिंग कॉल, कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए। एंड जैसे कि आप यहाँ पर देख पाते हो इसका जो सीट ग्रैबिंग बोलते हो, जो ये सीट में जो ये बोलते हो फिट किए गए हैं, काफ़ी अच्छे से आपकी बॉडी को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करते हैं, काफ़ी अच्छे से ग्रैब करते हैं, जो काफ़ी की अच्छी बात है। एंड इधर आपको को हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिलती है, जो कि आप ऊपर नीचे करके आप लगा सकते हो, काफ़ी अच्छी बात है। एंड एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर क्रोम स्टाइलिंग में हैंडल बार्स मिलते हैं, यहाँ पर मैंने गेट खोला, सनशेड कर्टेंस मिल जाते हैं, यहाँ से आप ऊपर नीचे करके अपने आप बंद कर सकते हैं, जो ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड ये आपकी प्राइवेसी के लिए दिया गया, तो काफ़ी अच्छा इसमें एक फ़ीचर मिलता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है कि लोग जो टिंटेड करवा के घूमते थे, पुलिस वाले पकड़ते तब उनकी बैत बचती है, तो ये मुझे अच्छा लगता है कि भाई बच सकते हो आप उससे। एंड पीछे आपको इधर साइड पॉकेट्स मिल जाते हैं, इधर आपको सीट पॉकेट्स मिल जाते हैं, जो कि ठीक है, जो साइड पॉकेट्स जो है काफ़ी ज़्यादा वाइड नहीं, काफ़ी टाइट है, बट यहाँ पर आप फ़ोन एंड ऑल थोड़ा मोड़ा स्पेस रख सकते हो। इधर आपको स्मार्ट प्योर एयर, वो मतलब आपको फ़िल्टर मिल जाता है, ये एसी एंड ऑल का वेंट्स है, पर इधर आपको कोई कंट्रोलर नहीं मिलता एसी कंट्रोल करने का, वो शायद आपको फ्रंट से करना पड़ेगा। इधर आपको यूएसबी फास्ट चार्जिंग केबल मिलता है, यहाँ पर आपको थोड़ा स्टोरेज स्पेस मिलता है, आप फ़ोन रख सकते हो, चार्ज कर सकते हो। एंड सेम टू सेम आपको पीछे भी, मतलब इस साइड भी, लेफ्ट साइड में भी आपको ऐसा ही सीट पॉकेट एंड ऑल मिलता है, यहाँ पर आपको ये हार्ड प्लास्टिक का मटेरियल यूज़ किया गया है, एंड सेम टू सेम यहाँ पर सॉफ्ट मटेरियल्स। एंड इधर आपको ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस मिल जा रही है, यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, 1 लीटर की बॉटल है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सो आपको जो 1 डाउन 1 अप मिलता है, वो सिर्फ आगे की साइड मिलता है, पीछे की साइड नहीं मिलता है, जो कि यहाँ पर आपको ऊपर नीचे आप करके बस उसको दबा के रखना पड़ेगा, सो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो वेंटिलेशन पीछे की साइड नहीं मिलती है, सो कोई दिक्कत नहीं, पर काफ़ी अच्छी है, एसी इसका पावरफुल है। एंड ये जो आप पैटर्न देख पा रहे हैं, डायगनल टाइप की पैटर्न्स है। एंड इधर आपको 3 सीट बेल्ट्स मिलते हैं, इधर आपको 3 सीट बेल्ट्स मिलते हैं, ये इधर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है आपके हाथ रखने के लिए। एंड इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 2 ट्विन कप होल्डर मिलते हैं, एंड काफ़ी अच्छा मटेरियल है, जब आप बैठते हैं तो आपको ये आपके पीठ पे आपको ये फील नहीं होता। एंड इधर आपको ट्रिपल आर्मरेस्ट मिलते हैं, एंड तीनों एडजस्टेबल है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड इधर आप देख पा रहे हो आइसोफिक्स स्टाइल माउंट सीट है, जो कि सेफ्टी वाइज बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। एंड जो इस जो ये जो पैटर्न है, इसका जो ग्रैबिंग, मतलब जब आप बैठते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। एंड इधर से आप ये को एक लीवर मिलता है, जो कि आप यहाँ से ऐसे खोलोगे, देन जाके ये आपकी सीट नीचे गिर जाएगी। 60:40 का स्प्लिट रेशियो है दोनों सीट्स में, ये पहले गिरती है, मतलब ये भी गिर जाती है पहले नहीं, और ये दोनों एक साथ गिर जाती हैं। एंड देन इसको आप यहीं पर ला के ऊपर लगा सकते हो। एंड यहाँ पर आप इसको फिर से दबा के इसके आप इंक्लाइनेशन थोड़ा और पीछे करके आपको अच्छा सा रेस्ट मिल जाता है। इनरेस्ट एग्रेस काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी में। एंड इधर भी आपको सेल्टॉस की बैजिंग मिल जाती है, ये पन्नी इसमें लगी हुई है, इसको हटा भी सकते हैं आप। एंड इधर आपको ये क्वार्टर ग्लास भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इधर आपको क्रोम की स्टाइलिंग की पूरी फिनिशिंग मिलती है, जो यहाँ से लेके ऑल ओवर द डोर आपके जाती है, एंड काफ़ी अच्छी बात है। क्रोम का मटेरियल थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया गया, बट इट्स ओके। बाकी इधर तो आपको बता चुके हैं कि क्रोम की आपको यहाँ पर लाइनिंग मिल जाती है। एंड बाकी आप चलते हैं थोड़ा पीछे की साइड, यहाँ से इलेक्ट्रिकली नहीं है, ये मैनुअली है। एंड इधर आपको 409 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से आप लैश ऊपर करोगे तो यहाँ पर आपको टायर साइज मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको 205/16 R, इधर आपको 205/65 R16 के टायर्स मिलते हैं, जो कि गुड ईयर के हैं, एश्योरेंस ट्रिपल मैक्स टायर्स है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के टायर्स हैं। एंड फिर इधर आपको बॉडी सपोर्ट मिल जाती है, उधर आपको किट मिल जाता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड सब वूफर मिल जाता है आपको, और ये आपके पार्सल ट्रे हैं, यहाँ से आप इसको हटा भी सकते हो, जैसे कि आपने देखा है मैंने यहाँ पर मैं हटाने जाता है, ये थोड़ा सा लूज़ हो गया था, इसको हटा के हम लोग लगा भी सकते हैं इसको। यहाँ पर आपको 50 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि डीजल है। एंड डीजल गाड़ी होने के बावजूद भी आपको डेफ नहीं मिलता, तो काफ़ी अच्छी बात है। एंड बाकी अब इस गाड़ी का ड्राइव रिव्यू देंगे आपको, मैं एक बार बोनेट खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसका DRL कितने अच्छे लगते हैं, सेक्सी टाइप के DRL से काफ़ी अच्छे लगते हैं। इधर हमारे बूट ओपन हो चुके हैं, यहाँ से मैं एक बार ओपन करता हूँ। एंड इधर आपको CRDI 16V का इंजन मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है।
एंड इधर आपको कूलेंट एंड ऑल काफ़ी अच्छी, मतलब स्पेसिंग इसमें काफ़ी अच्छी है। हाँ बूट थोड़ा भारी है पर ठीक है, एक हाथ के लिए काफ़ी अच्छा है। कम से कम टाटा सफारी की तरह आपको मजबूत लोहा तो मिल ही रहा है इसमें, अच्छी बात है। एंड आपको इधर इंसुलेशन भी मिल जाता है एंड सेम टू सेम यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे कैसे यहाँ पर फीचर इसमें दिए गए, जो भी इसमें लगाए गए इंजन का क्लैडिंग। एंड इधर आपको क्लैडिंग भी मिलती है जो काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं। सो अब गाड़ी को चला के देखा जाएगा। यहाँ पर आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता जो कि ठीक है, साइड की गाड़ी के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। टेलीस्कोपिक मिले भी ना मिले कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पर आपको टिल्ट मिल जाता है, वो काफ़ी अच्छा है। एंड इधर आपको सेटअप मिल जाता है, इसमें दोनों व्हीकल नेविगेशन, फ़ोन, यूवीओ, एडवांस सब कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पर। इधर आपको जो आपका फेवरेट कनेक्ट करोगे तो आपको चल जाएगा। इधर आपका मीडिया कंट्रोल्स है, इधर आपका रेडियो, नेविगेशन जो काफ़ी अच्छा है। इधर आप देख रहे हो नेम हिस्ट्री, इमरजेंसी, डीलरशिप कैंसिल वगैरह सब कुछ आपको। पीडीआई का भी मिलता है आपको कैटेगरी में, एड्रेस बुक, किया सर्विस, कोऑर्डिनेट्स, रूट इन्फो, एवरीथिंग इज देयर, रूट ऑप्शंस, ट्रैफिक अलॉन्ग रूट का भी ऑप्शन है आपके पास, फेवरेट एंड अपने आप सेट भी कर सकते हो। इधर आपको मैप मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छी बात, जैसे कि आप अगर ब्लर कर देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड मैप है और काफ़ी अच्छा है इसका मैप है, काफ़ी अच्छा था आपको क्लियर विजिबिलिटी के साथ दिखता है। वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड ऑप्शन ऑन एंड ऑफ का भी मिल जाता है, बोस का ब्लूटूथ यहाँ पर बैजिंग भी मिलती है। इधर आपको गियर बॉक्स मिलता है, नॉर्मल गियर है। इधर से आप अगर आपको रिवर्स लगाना है सो आप यहाँ से आपको एक बटन मिलता है, ये बटन दबाइए फिर आप इसको रिवर्स लगाइए, तो रिवर्स अगर आपका लग गया तो ये देखिए आपको दिखा रहा है यहाँ पर रिवर्स कैमरा, फिर यहाँ से आप फिर से बटन दबाइए फिर उसको सीधे एंड 1314 ऐसा करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। इधर आपको आमरेस मिल जाता है, काफ़ी वाइड है, काफ़ी अच्छा है, कूल्ड नहीं है यहाँ पर, आपको कूल्ड का ग्लव बॉक्स नहीं मिलता, बट हाँ आपको यहाँ पर इसकी चाबी आप देख सकते हो, चाबी इसे काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है। एंड वायरलेस चार्जिंग तो आपको बता ही चुका हूँ मैं। एंड इधर आपको किया सेल्टॉस की बैजिंग मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके नेविगेशन आप देख सकते हैं। एंड इधर आप गाड़ी का, मैं गाड़ी खुद नहीं चलाना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं गाड़ी ऑलरेडी चला चुका हूँ, मैं चाहता था दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव से आप गाड़ी देख पाए। एंड गाड़ी का आप ये नेविगेशन देख सकते हो एंड इधर से आप स्पीडोमीटर एंड ऑल मैं आपको दिखाता रहूँगा एंड आगे सामने से व्यू भी दिखा लूँगा। एंड अभी आप यहाँ पर पिकअप चेक करना कितनी अच्छी गाड़ी की पावर है पिकअप में, एंड देखना अभी आप लोग देखिए आवाज़ देखिए इसकी कितनी अच्छी है। एंड ये पूरी इस बॉडी को पीछे पुल करती है जो कि मुझे एक अच्छी बात लगती है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ आपको लग्जरी कार्स में मिलती है, ऐसी नहीं कि मतलब और कारों में नहीं मिलती, पर हाँ इसमें एक फील आपको अच्छा खासा मिलता है। जो कार लवर है उसको ये गाड़ी चलाने में काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड मेरे हिसाब से मैं आपको दिखाऊँ तो मेरा काफ़ी अच्छा स्पेस बैठा हुआ है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही। मैं सीट अभी अभी अपनी नॉर्मल हाइट पर है, लेंथ पे है, हर एक जगह पर काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है चलो बैठ के। एंड आप देखिए कितने रिलायबिलिटी है इस गाड़ी में, एंड काफ़ी अच्छा है इसका टर्निंग रेडियस, काफ़ी अच्छा है, गाड़ी चलती बड़ी स्मूथ है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, कोई ऐसी आज तक इशू नहीं आती जिसमें लोगों को लगता है कि भाई हाँ बड़ी गाड़ी है तो बड़ी दिक्कत। ये जैसे हमारे भाई जो शोरूम से आए उन्होंने हमको बताया कि बहुत बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस है एंड कोई रफ पैचेस पे भी गाड़ी काफ़ी आराम से चढ़ जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये गाड़ी थोड़ी ढलान पे और ये कितनी गाड़ी आराम से चढ़ जा रही है। देखिए आप बाकी रास्ता देखिए एंड कहीं पर आपको इतना दिक्कत नहीं आने वाली, ये देखिए अब देख पा रहे गड्ढे में कैसे गाड़ी निकल के जा रही है एंड अंदर आपको कोई आवाज़ भी आपको ऐसी एसेट नहीं आ रही हो। एक चीज़ और यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर भी मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है आपके लिए। इधर आपको एयरबैग के ऑप्शंस मिलते हैं, यहाँ पर आपको शीशे मिल जाते हैं, वैनिटी मिरर मिल जाता है आपको, लाइट्स के साथ नहीं मिलता, देना चाहिए पर ठीक है, उधर की साइड आपको नहीं मिल पाता है, देखिए आपको वहाँ नहीं मिलता बट यहाँ पर आपको मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है ठीक है। एंड वन थिंग मोर, आपको यहाँ पर 6 एयरबैग मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आप यहाँ पर वाइपर थ्रो देख सकते हैं कितना अच्छा है, यहाँ पर स्प्रे मिलता है, स्प्रे ऑन ऑफर मिलता है एंड काफ़ी वाइड ही जाता है, भले एरोटोन नहीं यूज़ किया, कॉस्ट कटिंग की है बट आप देख सकते हो कितना अच्छा है। यहाँ पर फ्रंट व्यू आपको साफ हो गया, काफ़ी अच्छी क्लैरिटी के साथ आपको व्यू मिलेगा एंड यहाँ पर आप इसको जूम आउट जूम इन सब कुछ करते देख सकते हैं आप, जैसे कि जूम आउट जूम इन कर रहे हैं। हाँ आपको गूगल की क्वालिटी का नहीं मिलेगा किसी भी गाड़ी में बट तब भी उस गाड़ी के हिसाब से काफ़ी अच्छी आपको क्वालिटी देते था ये। अच्छा इधर आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको 14.4 किलोमीटर पर लीटर का डेंस ट्रैफिक में आपको माइलेज मिल पाता है क्योंकि आप देख सकते हो डेंस ट्रैफिक है, अभी आगे भी आप देख पा रहे हो वहाँ से जूम इन करूँ तो मैं। सो काफ़ी अच्छी गाड़ी डीजल होने के बावजूद भी आपको काफ़ी अच्छा माइलेज दे पा रही है। सो जैसे कि आजकल की गाड़ी में आप जानते हो नहीं मिलती है
एंड इसका प्राइस आपको अभी बताता हूँ ऑन रोड कितने की पड़ती है। एंड इसका आपको ऑन रोड जो प्राइस है वो 19 लाख के आसपास में, थोड़ा एक्सेस लगवाने के बाद आपका प्राइस ऊपर नीचे मतलब 1950 तक भी जा सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे किया की सोनेट देखिए आप सामने जा रही है। सो किया गाड़ी मतलब लोग अभी ट्रस्ट कर रहे हैं इस कंपनी को डिस्पाइट ऑफ हैविंग वेरी सम टाइम ऑफ इशूज। कोई कुछ नहीं कर सकते, गाड़ियों का यार बहुत अलग अलग मूड चलता रहता है यहाँ के लोगों को। इंडिया कभी उठा देती कभी गिरा देती किसी भी कंपनी को, से तो इंडिया का ये पुरानी खासियत है। सो बाकी तो रिव्यू के लिए मुझे गाड़ी बहुत बढ़िया लगती है ये वाली, ऐसे पावर है काफ़ी अच्छी लगती है मुझे गाड़ी एंड स्मूथ है काफ़ी। देख सकते हैं आप देखिए पिकअप ऐसा कितना अच्छा इतना कम। इधर पे आपको देखिए सेल्टॉस की बैचिंग मिलती है, स्टेयरिंग आपको मैं थाई सपोर्ट नहीं दिखा पाऊंगा पर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है यहाँ पर मुझे मिल रहा है इतना मैं बता सकता हूँ आपको। शोरूम में गाड़ी होती तो मैं पक्का आपको दिखा देता कैसे बैठना कैसे नहीं है। सो गाड़ी काफ़ी अच्छी है। इधर आपको मैनुअली ये आपको ओपन करना पड़ेगा एंड क्लोज भी आपको मैनुअली करना पड़ेगा। हाँ सनरूफ आपका इलेक्ट्रिकली ओपन क्लोज हो सकता है एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स तो इस गाड़ी में मिलते ही हैं। अब देखिएगा आपको प्रॉपर पिकअप दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर लोग देखिए सब भी सामने है, लोग तो अभी पिकअप दिखा नहीं पा रहे हैं आपको बट इट्स ओके ठीक है आपको दिखा दिया था तो ठीक कोई बात नहीं। इतने कट टू कट ट्रैफिक में भी अगर आपको 14 का माइलेज मिल रहा है तो गाड़ी काफ़ी अच्छी है। जैसे कि ये आदमी पता नहीं क्या कर रहा है, ये हट ही नहीं रहा है। हाँ आप देखिए आप और ये बताओ ये देखिए बाबा का जो मंदिर 100 की स्पीड ये इस जगह पर चल रही है आप देख रहे हो।